हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम आए हुए हैं यहाँ पे मैनचेस्टर के आगे एक जगह है बर्नली, वहाँ पे वेकेशन के लिए हम लोग आए हैं। और हियर हायर्ड हाउस कम विद सम टू अदर इंडियन फ्रेंड्स फैमिलीज एंड टुगेदर वी आर स्पेंडिंग टाइम हियर। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है हमने जो घर हम लोगों ने ये वाला है एंड देन काफ़ी खूबसूरत एरिया है। ये वीडियो बना रहे हैं एक जगह बर्नली, वहाँ पे हम लोग छुट्टी के लिए आए हैं। और ये है मैनचेस्टर के आगे लैंकाशायर में। तो यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत जगह है ये, यहाँ से देयर आर सम वेरी ब्यूटीफुल काइंड ऑफ ट्रैक्स एंड ऑल हियर। तो जब हम यहाँ पहुँचे तो जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं वो इट इज़ कॉल्ड बर्नली रोड। बर्नली रोड पे हम लोग हैं। तो हमको याद आ गया कि बर्नली तो भाई फेमस है, द बॉय फ्रॉम बर्नली विच इज़ जेम्स एंडरसन, ही इज़ फ्रॉम बर्नली, जो छोटा सा टाउन है बर्नली। तो जहाँ पे हम लोग हैं इस जगह का नाम है रोजनडेल, लेकिन यहाँ से करीब 4 किलोमीटर पे बर्नली है। आज सुबह में हम वहाँ गए भी थे और वहाँ पे हमने जाके देखा कि जहाँ पे जेम्स एंडरसन ने अपना क्रिकेट शुरू किया था विच इज़ द बर्नली क्रिकेट क्लब। तो आपको उसका भी वीडियो शेयर करेंगे हम। तो काफ़ी इट्स क्वाइट रिलैक्सिंग हियर एंड जेम्स एंडरसन वाज बॉर्न ब्रॉट अप इन बर्नली विच इज़ जस्ट 4 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर एंड इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन एंड इट्स सरप्राइजिंग एंड ग्रेट अचीवमेंट दैट अ गाय फ्रॉम सच अ स्मॉल टाउन has gone on to become such a great bowler in 620 test wickets and maybe to take more and is still going strong at 39. So yahi pe James Anderson ne apna cricket start kiya, Burnley Cricket Club, and he was born and brought up here. Then he started playing for Lancashire County or then in for England. To ye chhota sa ground hai Burnley ka क्रिकेट क्लब। बगल में वी हैव द फुटबॉल ग्राउंड हियर। एंड नेक्स्ट टू द ये फुटबॉल ग्राउंड है, नेक्स्ट टू द फुटबॉल ग्राउंड इज द क्रिकेट ग्राउंड जिसमें अभी हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं। ये है क्रिकेट ग्राउंड। एक क्रिकेट ग्राउंड है छोटा सा है बिल्कुल। देखिए यहाँ पे कुछ पवेलियन टाइप का है। अब यहाँ पे बार्ब्ड वायर है, हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं। और दिस इज द पिच विच इज कवर्ड, यू कैन सी द पिच हियर, यस, एंड देन यू कैन सी द ओके। तो हम लोग यहाँ आए हुए हैं 3-4 दिन के लिए। इन पैक्स एंड जिस तरह से उन्होंने डिमोरलाइज किया इंग्लैंड को, इंग्लैंड आई हैवंट सीन इंग्लैंड टीम बीइंग यू नो डाउन लाइक दैट फॉर क्वाइट सम टाइम। और वो मेंटली इंडिया हैज़ बीटन इंग्लैंड, बिल्कुल उनको राइल कर दिया मेंटली। एंड वाट अ डिलाइटफुल लास्ट डेट वॉज एंड लकीली माई सन वॉज इन द ग्राउंड टू वॉच the match as well with his friends. I was working so I could not see much of the match, but I was following the score. To kafi maza aaya aur I'm sure ke India will do even better in this series, and I think India should win this series. Kohli has to come good with the bat, and the good that Rahane and Pujara came good with the bat. So aap log ठीक से रहिए, और अगर मेरा ब्लॉग्स आपको पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके देन, बाय।